ठंडी सर्दी के साथ, कांपते हाथों के साथ, आप सबको किरण का अस्सलाम वालेकुम गरम गरम तवे के साथ। तो मैं बनाने लगी हूँ जनाब अपना नाश्ता, और ठंड लग रही है खिड़की से सामने से, टांडी टांडी हवा आ रही है। पिया करे बंद कर लो, पर फिर मज़ा भी तो लाना है ना, ठंड का मज़ा भी तो लेना ना मौसम का। तो यहाँ पे जनाब ये रात को नान आए थे, आटा हुआ हुआ ख़त्म, तो नान आए थे। तो फिर नान मैं अपने लिए फ्राई करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने कल दोपहर 3 बजे से खाना खाया हुआ है और अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया। तो अब मेरा सर ना दर्द से फट रहा है, तो मैं सबसे पहले करूँगी अपना नाश्ता। चाय मैंने चढ़ा दी है, चने पिया ले आए हैं, आटा अभी तक स्टिल नहीं आया, इसलिए आटा नहीं गूंदा। और पिया बाकी लोगों के लिए भी नाश्ता लेने गए हैं, यानी कि नान लेने गए हैं। तो ये रात का नान बचा हुआ था, रोटी नान जो भी है ये बची हुई है। तो इसको मैं ना इस तरह से, हाँ जो आपको नान गर्म करने का तरीका ऐसे तो आता ही होगा सबको, बड़ा ही मज़ेदार लगता है। इसको मैं गर्म करूँगी हाथ ना कि मैं खाऊँ उनमें। हाँ इसको ना मैं क्या करूँ किसको बताऊँ, ऐसे रख लेते हैं इसको। और ये देखिए जी, इसके ऊपर ऐसे सारा हम पानी लगाएंगे नान पे, नान रोटी जो भी है भाई। और ये देखिए फिर हम इसको इस तरह से थोड़ा तवा को हल्का करते हैं, ज़्यादा ही गर्म हो गया है तो ऐसे। अभी देखिएगा आप, एक मैजिक होगा, नहीं अभी तवा ज़्यादा गर्म नहीं था ना इसलिए वो मैजिक नहीं हुआ। इस तरह से हम इसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल मेरा मछली वाला है तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही मछली के तेल की, कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इसमें ना लहसुन 2-3 डाल के तो इसके अंदर से मछली की स्मेल को निकाल दिया है। तो मैंने ऑयल जाया तो नहीं ना करना था, इतना महंगा ऑयल है। तो अभी हम इसको इस तरह से यूज़ करेंगे, क्योंकि मछली ख़त्म हो गई है, फिर दोबारा आने में टाइम लगेगा, इसलिए इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखिए जी, ये मज़ेदार से मेरा ना नान फ्राई हो जाएगा। और ठंड भी हो रही है, बड़ी मज़ेदार ठंड हो रही है। बच्चों को कल से हो रही है जनाब छुट्टियाँ, तो कल से बच्चे होंगे हमारे सरों पे सवार, तो रोज़ाना नाश्ता ये वो काम बढ़ जाएंगे सबके सबके। तो अल्लाह ताला खाने वालों को ज़िंदा रखे और पकाने वालियों को हिम्मत और दे हौसला। तो कल से हो जाएगा वही काम शुरू, 4-4, 5-5 टाइम किचन में गुजरे गए। तो चने लेकर आती हूँ, चने में ले आई हूँ, इनको निकालती हूँ। अब ये ना चने वाले भी नहीं, अब महंगाई हो गई है ना, तो उसने भी ना मसालों में कटौती शुरू कर दी है। चनों का तड़का वैसा नहीं रहा जैसा पहला होता था, तो चनों को डोंगों में निकालती हूँ। तो अब ये मेरी नई प्लेटें हैं, मैंने ली हैं घर के लिए। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। निकला उनको मैं खोल लेती हूँ पहले। तो चाय को पाला आ गया है, नान भी मेरा फ्राई हो गया है। इसको मैं निकालती हूँ प्लेट में, क्या बनेगा इतनी सर्दी में, शादी में जो ना ही हमने, ओह माय गॉड क्या बनेगा। नान मेरा अच्छे से फ्राई हो गया है, चूंगा जहा भी बचा हुआ इन्हें फ्राई कर लेना, सुटना जरूर है। तो ये कब्बे का लिए सैलड बची हुई है, कब्बे को भी नाश्ता डाल देते हैं। तो ये देखें जनाब, ये मेरे कौवे का नाश्ता भी चला गया, अभी वो आ जाएगा और वो नाश्ता कर लेगा। तो चाय मेरी उबल उबल जाती पई है, फटाफट चाय नू करने हैं। ठंड बड़ी हुंदी पई आ यारा, की करिए कंबल तान के, मौजा करिए सुते रहिए उखलियाँ खाइए, चलगोजे खाइए। चलगोजा के नाम से वैसे ही खांसी आ गई, महंगे इन्ने हो गए, खाने कितने हो। तो ये जनाब चाय में दूध चला गया और चाय हमारी हो जाएगी अभी रेडी गो। तो जनाब मैं अपना नाश्ता लेके बैठ गई हूँ, अब मैं नाश्ता करूँगी क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई है, फिर आपसे बात करूँगी।